किसान भाइयों स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में किसान भाइयों हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार आपको खेती किसानी से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं जो भी आपके लिए लाभप्रद जानकारियां हैं वो देते रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कुछ विशेष जानकारियां जो कि हैं जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य किसान भाइयों रासायनिक पदार्थों के खेतों में लगातार प्रयोग से लगातार हमारी खेती साथ ही साथ मनुष्य का स्वास्थ्य और पर्यावरण सभी को नुकसान पहुंचता जा रहा है इन सबसे बचाव का तरीका क्या है जी हाँ जैविक खेती जैविक खेती को अपना कर जहाँ एक और इंसान पर्यावरण खुद का स्वास्थ्य को तो बचा ही सकता है साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं तो जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य क्या है इसके क्या लाभ है इनसे क्या क्या आप अधिक पा सकते हैं यही सब जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ए बी सिंह किसान भाइयों आप सबको मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर ए बी सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नबी बाग से बोल रहा हूं मैं किसान भाइयों आज जैविक खेती के बारे विषय पर चर्चा करेंगे कि जैविक खेती क्या है और जैविक खेती कैसे करना चाहिए जैविक खेती से मृदा स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ता है इन सब बातों का हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों जैसा जानते हैं कि आजकल देश में किसानों की आय को दुगना करना और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह की केंद्र सरकार से राज्य सरकार से स्कीमें चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम किस तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हम जैविक खादों का या जैविक संसाधनों का प्रयोग करके मिट्टी को मिट्टी की शक्ति को बढ़ाएं मिट्टी में जो उर्व पोषक तत्वों की कमी हो रही है उनको कैसे संतुलित मात्रा में करें इस तरह से करने के लिए हमको जैविक खेती एक खेती की पद्धति है जैविक खेती किसान भाइयों ऐसा समझें कि इन खेती में हम लोग जैविक संसाधनों मीन्स जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं जिसमें गोबर खाद होती है कंपोस्ट खाद होती है हरी खाद भी आती है और केचुआ खाद आपने सुना होगा गोबर खाद भी आती है और बायोगैस सैलरी आपने देखा होगा कई किसान हमारे बायोगैस में जो सैलरी निकलती है उसका भी प्रयोग करके किसान भाई हमारा कंपोस्ट के रूप में बना करके जैविक खेती के लिए प्रयोग कर सकता है किसान भाई ध्यान रखें कि हमारा खेती जैविक खेती में दो तीन मुख्य बातें होती हैं जिसमें ये होता है कि जैविक खेती में पोषण प्रबंधन कैसे कर करें दूसरी बात होती है कि जैविक खेती में हमारे जो कीड़े बीमारियां लगती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए समस्या है तो किसान भाई जान ये जानिए हमारा जो भारतीय मिद्या विज्ञान संस्थान में है हम लोगों ने जैविक खेती की मध्य प्रदेश के लिए ढेर सारे पैकेज हमने बनाया हुआ है जैसे सोयाबीन के लिए गेहूं के लिए चना के लिए सरसों के लिए और अलसी इसके साथ साथ हम लोग मेडिसिनल प्लांट में इस सब गोल के लिए किस तरह से जैविक खेती इन फसलों का करना चाहिए और कैसे इनको जो है कितनी खाद की मात्रा डालनी चाहिए ये हम लोगों ने एक पैकेज रूप में बनाया हुआ है जो हमारे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के वेबसाइट पे कोई भी किसान या कोई भी जो थोड़ा सा भी जानकारी रखते हो तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं या हमारे संस्थान में जो वेबसाइट पे फोन नंबर है वो हमारे नंबर पे कभी भी फ़ोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों हमारा मेन मकसद जो देश में इस समय चल रहा है जैसा कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये अनाउंस था कि हमने मिट्टी को स्वास्थ्य बनाने के लिए किस तरह से हम लोग जो है उन खादों का प्रयोग करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जैविक खादों का प्रयोग करने से कैसे हम लोग मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाएं तो आप सभी जानते हैं कि हमारा किसान भाई केवल तीन चार खादों का प्रयोग करता है आपने देखा होगा आप लोग करते हैं जैसे यूरिया का कर रहा है डीएपी का कर रहा है या एसएसपी कर रहा है या म्यूरेट ऑफ पोटास अब आप खुद सोचें कि हमारी मिट्टी में जहां सोलह सत्रह पोषक तत्वों की ज़रूरत है हमारा किसान भाई केवल तीन चार पोषक तत्वों को दे रहा है ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किसान भाई कि हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व आप नहीं दे रहे हैं धीरे धीरे कमियां होने लगी है तो किसान भाइयों आप ध्यान रखें कि फसल उत्पादन के साथ साथ उसकी उच्च गुणवत्ता वाला अगर उत्पादन लेना है उत्पाद लेना है तो किसान भाइयों आप ध्यान रखें किसी न किसी रूप में आपको अपने खेती के लिए जैविक खादों का जो हमने आपको बताया कि जैविक खाद जैसे किसुआ खाद कंपोस्ट ये सब खादों का किसी न किसी रूप में आपको प्रयोग करने की ज़रूरत है हम ये कह रहे हैं कि आप जैविक खेती जो एक तरीका है उसको अपनाएं अगर आपके पास दस पाँच एकड़ जो भी है उसमें कुछ भाग में ज़रूर जैविक खेती करें हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरे एरिया को जैविक खेती में कन्वर्ट करें क्योंकि जैविक खेती कन्वर्ट करने के लिए हमको जो जैविक खाद है जिसमें केचुआ खाद हमने चर्चा किया या कंपोस्ट हुआ या मुर्गी खाद हुआ या गोबर खाद इन खादों को भी तैयार करना पड़ेगा तो इसके लिए किसान भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि जैविक खेती को आप करके अपनाएं और जैविक खेती में जो भी उत्पाद होगा उसको भी खा के आप देखें तो रासायन और जैविक खाद के उत्पाद में जो अंतर होता है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो किसान भाइयों आप ये ध्यान रखें कि हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारा जैविक खेती के तरीकों को अपनाए रबी सीजन में इस सोच में हम लोग देखिए आपको गेहूं का है सरसों है चना है और इस तरह से अलसी की फसलें हम लोग जो है पूरी जैविक पद्धति से उगा रहे हैं और आपको बता दें ये विगत पंद्रह सोलह सालों से हम लोग रिसर्च कार्य कर रहे हैं और ये है हमने देखा कि जैविक खेती के अगर पोषण प्रबंधन और जैविक खाद कीड़े बीमारियों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप जैविक खेती करते हैं तो हमारी रासायनिक खेती से कोई कम पैदावार नहीं होती उसके बराबर पैदावार हम लोग ले रहे हैं कई बार तो हमको सीजन में उससे ज़्यादा भी उत्पादन मिल रहा है तो किसान भाइयों मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना जो है थोड़ा सा ध्यान अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इस हम जैविक खादों के प्रयोग को आप लोग धीरे धीरे बढ़ाएं जिससे आपके मिट्टी के स्वास्थ्य साथ आपका उत्पादन भी बढ़े और उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा जो उत्पाद खाएंगे इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं कि रबी सीजन में इस जैविक खेती करने की जो हमने आपको बताया कि जैसे गेहूँ सरसों और चना अलसी की खेती आप देखिए बम्पर कर आप यहाँ लगी हुई है आप इस फर, हमारे फार्म पे जो भी फसलें लगी आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कोई रसायन या इस तरह की चीज़ें डाला जैविक पद्धति से हमारी ये सभी खेती मतलब हो रही है और पानी के साधन में भी आप देखिए हम फ्लड नहीं देते केवल स्प्रिंकलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि पानी चल रहा है हमारा पानी का भी सेविंग करते हैं साथ साथ में हमारा जो मेन मकसद है कि हम मिट्टी की स्वास्थ्य के बढ़ाने के साथ साथ हम अपने जो प्राइम मिनिस्टर का ये होता है भाई नारा है कि आज चीफ मिनिस्टर जो प्रदेश में हैं कि हम किस तरह से किसानों की आय को दूना करें उस इनकम को दूँ करने का एक ही मकसद जरिया है कि जो लागत खर्च आप लोग लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप रासायनिक खादों पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइडों साइड पे आप डालते हैं उस उसका मेन मकसद है कि इन खर्च को हम कैसे कम करके और जैविक उत्पाद जो हमारे जैसे हम लोग जो है आ, कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कई तरह के आर्गेनिक फार्मलेशन बनाए हैं जो नीम की पत्तियों को खासकर होता है उसमें काउडंग का जो देसी गाय का गोबर और यूरिन डाल करके इनके कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे ऐसा बनाए हैं आप लोगों को किसानों को समय समय पे हम लोग जानकारी भी देते हैं कि हमारा किसान भाई इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जैविक खेती में कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए कैसे करना चाहिए और कैसे हम इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है करें तो हमारा किसान भाई तीन खादों के अलावा मैं नहीं सोचता कि कोई किसान और खाद डालता होगा लेकिन जैविक संसाधन ऐसे हैं जैविक खादें ऐसा सोर्स है जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिय हमारे पौधों को चाहिए फसलों को चाहिए वो जैविक खाद का ही साधन है जिसमें हमारा किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी लागत को खर्च कम कर सकता है और उसकी आय भी बढ़ सकती है तो किसान भाई अंत में मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपने जैविक संसाधन हैं इनको प्रयोग करें जो आप लोग जला उला रहे हैं पराली इन सब को रोकिए और इन सब को किसी न किसी रूप में खाद बना करके खेती में डालें जो आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ मृदा स्वास्थ्य अच्छा होगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उत्पादन अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो आय की आपकी आय अच्छी होगी आपकी आय अच्छी रहेगी तो आप प्रसन्न रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन सत्तर लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाइयों नमस्कार मैं डॉक्टर आर के जयसवाल प्रमुख वैज्ञानिक फल अनुसंधान केंद्र ईट भोपाल से आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा है और आम का फल जो है सभी को प्रिय है चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों चाहे विदेश के लोग हों आम सभी लोगों को पसंद है किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि आम में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जिसमें मुख्य रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें प्रोटीन भी होता है इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है विटामिन ए और विटामिन सी होता है और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत से खनिज लवण होते हैं और बहुत से एसिड्स होते हैं जिसके कारण से सभी को आम प्रिय है किसान भाइयों जैसा कि आप जानते हैं और आप लोगों ने अनुभव किया है कि हमको एक साल आम ज़्यादा खाने को मिलता है और एक साल कम खाने को मिलता है जैसे कि पिछले साल 2021 था ये आम का ऑन ईयर था और इस साथ इस साल हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में आम मिला अब जो दो जो हमारा 2022 चल रहा है इस समय आम का ऑफ ईयर है ऑफ ईयर का मतलब होता है कि एक साल आम में फल ज़्यादा आते हैं और एक साल कम आते हैं इसके बहुत से कारण हैं जिसको बहुत से किसान भाई जानते भी हैं और अपने बगीचे में देखते भी हैं यह इसको हम जो है अंतर्वर्ती फलन कहते हैं अंतर्वर्ती फलन या जिसको हम अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं यह आम की विभिन्न किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है जैसे कि आम आपने देखा है कि दक्षिण भारत से लेके कन्या तुम कन्याकुमारी तक आम होता है और पूरे भारतवर्ष में जो है आम के बगीचे आपको मिल जाएंगे लेकिन जो आम में फूल आने का समय है सब जगह अलग अलग होता है जैसे कि आप अगर दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो आम में जो फूल आने का समय है वह नवंबर दिसंबर में आते हैं और उसके फल जो है हमको मार्च अप्रैल से मिलना शुरू हो जाते हैं हम मध्य भारत में आते हैं तो इसमें फूल जो है आम के ये जो है जनवरी और फरवरी में आते हैं और इसके फल जो है हमको मई जून में मिल जाते हैं और जैसे ही हम उत्तर भारत या हिमाचल या कश्मीर की तरफ जाते हैं तो इनके फल जो है आ, मार्च और अप्रैल में आते हैं और इसके फल जो हैं जुलाई अगस्त तक मिलते रहते हैं तो तो हुई ना ये बात कि आम में देखिए कि पूरे लगभग जो है छः महीने तक जो है इसमें फूल और फल आते रहते हैं और हम यदि बात करें मध्य प्रदेश की और विशेषकर भोपाल की भोपाल जो है अपने आम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो हम फलन अनुसंधान केंद्र में हैं यहाँ पर लगभग हमारे पास आम की 50 से ज़्यादा जातियाँ हैं आम की जो मुख्य समस्या होती है वह आपने और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एकांतर फलन की और एकांतर फलन को दूर करने के लिए कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिसमें कि हर साल फलन आती है जैसे कि आम्रपाली है नीलम है और बैंगलोरा है ये जातियाँ जो देखेंगे आपको कि हमको हर साल इसके आम खाने को मिलते हैं और जो हमारी व्यापारिक और सबसे पसंद की जाति है जैसे कि आपका दशहरी है लंगड़ा है बॉम्बे ग्रीन या चौसा ये जातियाँ जो हैं एक साल कम आती है और एक साल ज़्यादा आती है इसमें क्या है कि जो अंतर्वर्ती फसल जो निर्भर करता है या एकांतर फलन या मौसम के हिसाब से भी निर्भर होता है जैसे कि इस साल हमने देखा है कि दिसंबर के महीने में ठंड ज़्यादा पड़ी और इसके बाद थोड़ी सी गर्मी पड़ने लग गई तो आम में जो है दिसंबर में ही फूल आना शुरू हो गया और उसकी जो स्थिति है आप देखेंगे कि ये जो आम दिसंबर में जो फूल आए थे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी फल नहीं बैठा क्योंकि इसके बाद जो तापमान नीचे आया जिसके कारण से पूरी की पूरी इसकी पुष्प गुच्छ है वो सूख गई और आम में मैं बताऊं कि ये जो पुष्प गुच्छ आप देख रहे हैं इसमें लगभग साढ़े तीन हज़ार से चार हजार फूल होते हैं और इस फूल में तीन प्रकार के फूल होते हैं एक को हम नर फूल कहते हैं दूसरे को हम मादा फूल कहते हैं और तीसरे जो रहता है उसमें नर और मादा दोनों रहते हैं और ये नर और मादा जो हैं यही काम के हैं और इसी में फल फल बैठता है तो किसान भाइयों ये जो दिसंबर में जो फूल आए हैं लगभग उसमें एक भी फल नहीं बैठे हैं यह मुख्य अपनी समस्या आ गई कि जिसके कारण से इनमें फल नहीं बैठा इसके बाद तापमान जैसे कि अभी थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और आम में अब फूल आना प्रारंभ हो गया है ये मुख्य समय है और तापमान अभी संभावना है कि आगे थोड़ा सा और बढ़ेगा तो इसमें जो फूल आया है उसमें आपकी छोटी छोटी आप देख रहे हैं कि ये सरसों की दाने की आकार की यहाँ पर छोटे छोटे सरसों की दाने की आकार की जो है आम बनना शुरू हो गए हैं अब हमको इन आमों को जो बन रहे हैं इनको बचाना बहुत आवश्यक है तो किसान भाइयों जो इस समय मतलब जो है इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है आम में फूल आने का आ, समय का क्योंकि यह पूर्ण रूप से आपके मौसम के ऊपर निर्भर करता है यदि तापमान जो है 28 डिग्री ऊपर का और नीचे का तापमान 10 डिग्री से ऊपर होगा तभी इसमें अच्छे से फूल आएंगे परंतु मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि इस समय जो इस वर्ष है ये ऑफ ईयर है और लगभग हमको तीस से पैंतीस परसेंट ही वृक्षों में जो लगे हुए हैं बगीचे उनमें फूल आएंगे और फल लगेंगे बाकी में नहीं आएंगे या आएंगे भी तो पार्सल रूप से आएंगे किसी एक शाखा में फूल आएगा और उसमें फल बनेंगे या कोई दो शाखा में आ सकता है ये पूर्ण रूप से आ, आपकी जो है वृक्ष की उनकी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है यदि हम इसमें इनके अनुवांशिक गुणों पर भी निर्भर करता है और जो सी एन है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है उस पर भी ये निर्भर करता है अब जो पोषक तत्व हम देते हैं जमीन पे जो पौधे लेते हैं उसके ऊपर भी फलन जो है निर्भर करता है तो किसान भाइयों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अब जो आपके फूल आ चुके हैं उसको हमको दो बीमारियों से बचाना है और दो कीड़ों से बचाना है इसमें जो मुख्य बीमारी जो आने वाली है यह है भभूतिया रोग जिसको हम पाउडरी मिल्डू कहते हैं तो जैसे ही ये जो हमारी जो आप देखेंगे पुष्पगुप्त में जो आप जो जो फल लगे हैं वो सरसों के आकार से और जैसे जैसे मटर के आकार पे बढ़ते हैं उस समय हमको जो है जो कार्बन नामक जो फफूंदी नाशक है उसका छिड़काव करना चाहिए एक ग्राम एक लीटर पानी के मान से यदि हम छिड़काव करते हैं तो हम ये भभूतिया रोग को रोक सकते हैं दूसरा इसमें जो रस चूसक जो कीट हैं जिसको हम थ्रीप्स कहते हैं जैसिड कहते हैं और एफिड कहते हैं ये रस चूसक कीट को भी इस समय नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है इसके लिए नियंत्रण के लिए यदि आप जैविक पे जाना चाहते हैं तो हम नीम की तेल का हम छिड़काव कर सकते हैं जिसमें पाँच मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से गोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं यदि हम रसायन पे जाते हैं तो दाई नाम की जो दवा है कीटनाशक दवा इसकी एक मिलीलीटर को एक लीटर पानी में मिला कर यदि हम छिड़काव करते हैं तो ये रस सुसक कीट को हम नियंत्रण कर सकते हैं इसके साथ ही साथ किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बोले जयसवाल साहब हमारे आम तो लग जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं निश्चित रूप से आम में यदि आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें साढ़े तीन हज़ार से चार हज़ार फूल रहते हैं और इसमें मुश्किल से दो सौ से ढाई सौ इसमें फल बैठते हैं और झड़ते झड़ते अगर आखिरी तक एक या दो फल जो अवस्था तक पहुँच जाती है तब हम समझते हैं कि यह हमारे लिए आर्थिक लाभकारी है कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा पुष्प गुच्छ जो है सूला रह जाता है खाली रह जाता है तो हमको नुकसान हो जाता है तो किसान भाइयों यही समय है यदि आपका आम का जो आकार है मटर के आकार के समय तो उस समय एक पादप हारमोन्स होता है जिसको हम एन ए, ए या इसको हम सामान्य रूप में कहें तो नेफेथेलिन एसिटिक एसिड जो कि बाज़ार में जो है प्लेनोफिक्स के नाम से भी मिलता है तो इसकी जो है एक मिलीलीटर जो रसायन है उसको हम साढ़े चार लीटर पानी में मिलाकर यदि जब मटर की आकार की है उस समय हम छिड़काव करते हैं तो हम फलों को झड़ने से रोक देते हैं और कम से कम हमको दो या एक फल यदि एक पुष्प वृक्ष में मिल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होता है किसान भाई मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा कि सिंचाई देखिए कई बार किसानों में भ्रांतियाँ होती है कि यार आम में कब सिंचाई करनी चाहिए मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा को हमको कम से कम नवंबर और दिसंबर के महीने में आम के बगीचों में सिंचाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय अगर तापमान हम कम कर देंगे तो फूल नहीं आएगा तो हमको उस समय नवंबर और दिसंबर के महीने में हमको सिंचाई अपने बगीचे में नहीं करना है पहली बात दूसरी बात सिंचाई कब करनी है जब पूर्ण रूप से आपके फूल जो है आम के जो बौर जिसको हम कहते हैं वो दिखने लग जाएं और उसमें छोटी छोटी कैरी जो सरसों के आकार के या मटर के आकार के दिखने के लग जाएं तो उस समय हमको सिंचाई करना चाहिए जिससे अब ये जो मटर के आकार के जो हमारे आम दिख रहे हैं इसकी बढ़वाड़ शुरू हो जाएगी और वृद्धि होगी तो इसमें आप विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों कि आम के बगीचे में सिंचाई के लिए तो आम की जो सामयिक चर्चा थी इस समय ये काफ़ी है आप लोगों के लिए और अगर मेरी बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जहाँ भी अपने बगीचे हैं या घर में भी आपके आम के वृक्ष लगे हुए हैं तो आप काफ़ी मात्रा में आम प्राप्त सक, कर सकते हैं धन्यवाद किसान भाइयों अब समय हो चला है कि हम सुनते हैं खबरें खेती की नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद किसानों को 202 करोड़ की राहत अंतरित मूंग में खरपतवार प्रबंधन मसूर को माहों से बचाएं बकरियों को मुंह पका रोग से बचाएं फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर मानसूनी बारिश देश भर में होने से खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान लगाया गया है कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान से इस साल रिकॉर्ड इकतीस दशमलव साठ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है जो कि वित्त वर्ष दो हजार के खाद्यान्न उत्पादन से तिरपन लाख टन यानी एक दशमलव सात एक प्रतिशत अधिक है चालू वित्त वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन की खास बात यह है कि गेहूं चना सरसों धान मक्का के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही दलहनी तिलहनी फसल एवं गन्ना का उत्पादन भी ऐतिहासिक होने की उम्मीद है गेहूं का उत्पादन इस साल ग्यारह दशमलव तेरह करोड़ टन होने का अनुमान है जो कि पिछले साल की अपेक्षा सत्रह दशमलव तीन लाख टन अधिक है सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड एक दशमलव चौदह करोड़ टन होने की संभावना है जो कि पिछले साल के उत्पादन से बारह दशमलव चौवन फीसदी अधिक है चने का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अब तक का सर्वाधिक एक दशमलव इकतीस करोड़ टन अनुमानित है खाद्यान्न उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस व बाईस के खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन पर आधारित है किसानों को दो सौ दो करोड़ की राहत अंतरित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत जनवरी माह में ओलावृष्टि से प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए 202 करोड़ नब्बे लाख रुपए की राशि एक लाख छियालीस हजार की 101 किसानों के खाते में अंतरित की है बीते लगभग दो वर्ष में किसान सम्मान निधि शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण और अन्य सभी किसान कल्याण योजनाओं में कुल पौने दो लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत राशि अंतरित करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित किया गया श्री चौहान ने कहा कि गत माह ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के बाद राजस्व विभाग जिला प्रशासन और अन्य विभागों के सहयोग से समय सीमा में सर्वे कार्य हुआ श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दस तो ग्रामों में ओलावृष्टि से और असामायिक वर्षा से एक हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को क्षति हुई थी मूंग में खरपतवार प्रबंधन जायद में बोई गई मूंग की फसल में पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन के बाद ओट आने पर निराई गुड़ाई करना चाहिए निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट होने के साथ साथ वायु का संचार होता है जो कि मूल ग्रंथियों में क्रियाशील जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नत्रजन एकत्रित करने में सहायक होती है खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण जैसा कि पेंडामेथलन तीस ई की साढ़े लीटर अथवा ईसी तीन लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के दो से तीन दिन के अंदर जमाव से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता और मूंग की फसल सुरक्षित रहती है मसूर को माहों से बचाएं माहो कीट के व्यसक व शिशु दोनों ही मसूर के पौधे के कोमल भाग के रस को चूसते हैं माहों को चेपा या मोला के नाम से भी जाना जाता है व्यस्क एक से दो मिलीलीटर लंबे गहरे कत्थई या काले से रंग के छोटे छोटे समूह में रहने वाले कीट होते हैं ये भी वृद्धि कर रहे भागों फूल व फलियों से रस चूसते हैं बादल युक्त मौसम में उनकी जनसंख्या वृद्धि हेतु अनुकूल मौसम है माहो एक स्टंट वायरस नामक बीमारी का भी वाहक माना जाता है जिसके कारण पौधे छोटे रह जाते हैं तथा फूल फल नहीं बन पाते इसके प्रबंधन के लिए एमिडा 17.8 सत्रह दशमलव आठ एम एल बाईस दशमलव मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए बकरियों को मुंह पका रोग से बचाएं। भेड़ एवं बकरियों का मुंह पका एवं खुरपका जनित रोग है पशु को ज्वर आता है मुंह एवं खुर में पशुओं को फुंसी हो जाती है जो बाद में घाव बन जाता है मुंह से लार अत्यधिक मात्रा में टपकने लगता है इसके नियंत्रण के लिए बीमार पशु को मुंह के घाव में लगवाएं बनवा कर बीमारी का टीकाकरण समस्त पशुओं को पशुपालक लगवाएं किसान भाइयों खबरें खेती में आज के लिए इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार किसान भाइयों ये तो था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको बहुत सारी जानकारियां दी कृषि से संबंधित अगले अंक में फिर होगी मुलाकात लेकिन उससे पहले आज हम आपको बता दें कि हम आपके लिए दोबारा प्रस्तुत होते हैं आज ही रात को ठीक 11 बजे और कल सुबह सात बज के मिनट पर हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलिएगा कृषि दर्शन